जनपद बड़वा में विकास कार्य अवरुद्ध कर रहे युवक की ग्रामीणों ने शिकायत कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र नाम के युवक की पहले भी कई बार शिकायतें कर चुकी हैं, लेकिन अब उसकी शिकायतों की जांच की तो शिकायतें झूठी पाई गई। पंचायत स्तरीय कार्यालय में जनता अपने विकास को लेकर काफी सजग रहती है। ऐसे बहुत कम घटनाक्रम होते हैं जिसमें सरपंच अपनी ख्याति सिद्ध कर पाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जेठवाई पंचायत ने विगत 6 वर्षों में कार्य के दम पर स्थानीय लोगों का विकास किया है। विकास के चलते जनता पंचायत के कार्य से काफी संतुष्ट नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि जेठवाई निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू पटेल पिता जीवन जेठवाई गाँव की बदनामी सोशल मीडिया सहित अन्य विभागीय कार्यालय में शिकायत करके कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस प्रकार के तथ्य आरोप लगाने से गांव का विकास अवरुद्ध हो रहा है। पहले भी उसने इस प्रकार की शिकायतें की है, परंतु जांच होने पर सब कुछ सही पाया गया। युवक जितेंद्र की ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीईओ से शिकायत की है। युवक जितेंद्र बड़ा ही जालसाज है, ये बात जनपद में कई ग्रामीणों ने कही है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक जितेंद्र उर्फ जीतू पटेल पिता जीवन निवासी जेठवाई पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गैस टंकी धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत है। वो केस न्यायालय में चल रहा है। 420 वाले मामले में जितेंद्र उर्फ जीतू पटेल फरारी भी काट चुका है। वह लगभग 1.5 महीने फरार रहा है। जीतू पटेल अपने भी गरीब महिलाओं के पैसे जीतू पटेल पहले भी गरीब महिलाओं के पैसे बैंक से निकाल कर खा गया है। वहीं जेठवाई पंचायत के मानकर समाज के लोगों द्वारा भी जनपद पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत में कहा कि युवक जितेंद्र उर्फ जीतू पटेल पिता जीवन फर्जी तरीके से हमारे अंगूठे के निशान लगवा कर शिकायत करता रहता है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं को लाभ दिलाने के नाम पर खर्चे मांगता है। युवक पर कार्रवाई की मांग की गई है। ग्राम जेठवाई के ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी शिकायत का यह जल्द निराकरण नहीं हुआ तो हम पूरे ग्रामवासी कलेक्टर महोदय के पास शिकायत लेकर पहुँचेंगे। हमारे गांव के जो ग्रामीण जन साथ में आए हैं, क्योंकि वो जीतू पटेल पिता जीवन जो कि शिकायतें ग्राम पंचायत विकास कार्यों की करता रहता है और गांव का विकास कार्य रुक जाता है, इसलिए हम आए हैं यहां पर उनकी शिकायतों पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि इसने 3 बार पहले भी शिकायतें कर चुका है और वो जब उसकी जाँच हो गई तो उसमें कुछ नहीं पाया गया, इसलिए गाँव का विकास कार्य बार बार रुकता है और बार बार झूठी शिकायत करता है और वो स्वयं को ये बताता है कि मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, जबकि ऐसा कुछ वो नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब जितेंद्र से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उसे संपर्क नहीं हो सका।